जेड के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम ब्लैंक स्लाइड का यूज करके स्लाइड वगैरह बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात कही थी आपसे कि ब्लैंक स्लाइड पे हम कोई टाइपिंग नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो किसकी मदद लेनी होती है, स्टेपेज की मदद लेनी। चलिए, विंडो के साथ आ पावर पीएनटी। तो सब लोगों ने स्लाइड बनाया है? क्या क्या बनाया है आप लोग? कौन कौन से स्लाइड बनाया है? एक तो मैं बनाया था आप लोगों को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला, उसके अलावा क्या बनाया आप लोग? हाँ, सब क्यों मुंह हिला देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या रहा है। अरे भाई, चलिए ठीक है, हमने जो बनाया था वही हम ओपन कर ले रहे हैं। टेनियम के नाम से फाइल सेव कर रखा था और इसमें एक और स्लाइड जोड़ ले रहे हैं। उसका लेआउट, क्योंकि ऐसा लेआउट है हम चेंज कर ले रहे हैं, इसका लेआउट क्या कर ले रहे हैं, ब्लैंक ले रहे हैं। अब देख रहे हैं ब्लैंक हो गया है तो अब इस पर टाइपिंग करेंगे तो थोड़ी टाइपिंग नहीं होनी, एक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें हमें टाइपिंग करनी है तो हमें इंसर्ट पे आके यहाँ से क्या लेना होगा, स्टेपेज लेना होगा। क्या लेना होगा? स्टेपेज लेना होगा। स्टेपेज पे क्लिक कर लेंगे, जो भी स्टेपेज लेने आप। और आए इंसर्ट पे, नेरो ले लिया और आए स्टेपेज पे। अब और इसी स्टेपेज को अगर हमें और चाहिए तो हम क्या डबा देंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा और इसको मूव करा देंगे। तो कंट्रोल डी करिए, यहाँ आएगा, कंट्रोल डी करेंगे एक और पहुंच जाएगा। देखिए ठीक है, इतने हो गए। अब क्या करेंगे, बॉक्सेस और चाहिए हमें, कंट्रोल डी कर लिया मैंने और मैं उठा के आती हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, तीन से हो गए। चलिए कुछ और सोच लिया जाए। उससे पहले, ये बनाने से पहले कुछ चीज बताइए आप लोग, अगर हम पूछेंगे या कोई भी पूछता है आपसे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं, क्या बोलेंगे आप? पार्ट्स ऑफ सीपीयू कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ सीपीयू कितने होते हैं, ऑप्शन दे दो, 4 और 5? 4? रॉन्ग आंसर, 3 होगा। कितने होंगे? 3 होंगे। पार्ट्स ऑफ सीपीयू कितने होते हैं? 3 होते हैं, ALU, EMU और CU। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ALU, EMU और CU। ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, EMU का होता है मेमोरी यूनिट और CU का होता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है सीपीयू का वो होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन, जो भी लॉगरिथम है या मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है उन सबको, सब पे जो काम करता है वो करता है ALU। कौन करता है? क्योंकि आप जानते ही हैं ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को ही कहा जाता है। अच्छा, अच्छा कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है? कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है? कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये बात जानते हैं ना आप लोग? तो कोई भी चीज हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितने परसेंट पे करते हैं? 100% पे करते हैं। 100 में उसकी तरफ आया, 100 में कितना आया, यही ना। तो कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना परसेंट होता होगा बताइए? हाँ भाई बोलिए। अरे जो आता है बोलिए, गलत से क्या करना। 1000, 1000 हो ही नहीं सकता, जब हाईएस्ट 100% होता ही है तो। 1000 कौन बोला है? तो चेहरा देखा, क्या नाम है आपका? जब मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछने से पहले ही क्लियर कर दिया मैंने कि हाईएस्ट 100% ही होता है कोई भी नंबर, तो 100% ही होगा हाईएस्ट, 1000% कहाँ हो जाएगा। हाँ ये कर देते, 100 कई टाइम, 10 टाइम्स ऑफ 100% तो समझ में आता है, ऐसा कुछ बोलते हैं जो। लेकिन कोई भी नंबर 100% ही होता है। तो कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना परसेंट होता है? नहीं, 0% होता है। कितना होता है? 0% होता है।
कंप्यूटर का आईक्यू लेवल जीरो होता है, कितना होता है जीरो होता है, इसीलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, किसको कहा जाता है सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आईक्यू ब्रेन को कहा जाता है, एक बात पता है ना, कहते हैं बॉल बेटा पीजिए और आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ाइए, बादाम खाइए आईक्यू लेवल बढ़ाइए, आईक्यू का मतलब ब्रेन से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो आईक्यू लेवल कितना होता है कंप्यूटर का, 0%। तो अभी हम बात करें पार्ट्स ऑफ सीपीयू का, तो तीन होते हैं, कौन कौन से, एएलयू, एमयू, सीयू। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, एमयू का मेमोरी यूनिट और एएलयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्लियर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करके एक ही, ऐसे तो एक ही चीज लिखोगा, कंट्रोल दबा के हमने तीनों को सिलेक्ट, चारों को सिलेक्ट कर लिया और चारों का फॉर्मेट हमने चेंज कर लिया, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है कर लिया, और चारों में ही सिलेक्ट किए हुए होम टैब में आके हमने बोल्ड भी कर लिया, शैडो भी लगा लिया और कलर हमने ब्लैक कर लिया और साइज को भी थोड़ा सा क्या कर लिया। चलिए देखते हैं, अब कहीं बाहर क्लिक करिए, हट गया, सही हो गया, वापस आइए और नोट करिए इसमें क्या। सबसे पहले लिखेंगे सीपीयू, पार्ट ऑफ सीपीयू, क्या लिखेंगे, पार्ट सीपीयू, पहला हो गया आपका एएलयू, दूसरा हो गया आपका एमयू और तीसरा हो गया सीयू। तीनों के इसलिए सिलेक्ट किए थे ताकि तीनों का एक ही साथ चेंज कर लेंगे, है ना, और फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, पहले इनपुट इनको भी चेंज कर लिया जाए। आइए फॉर्मेट पे इफेक्ट लगाना, इफेक्ट लगा लीजिएगा, और कलर चेंज करा तो कलर चेंज, ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर लिया जाए, इफेक्ट लगा लीजिएगा, कलर रहने दीजिए, जो भी हो गया। और इसमें हम थोड़ा सा क्या करें, इसका इंटर करके ब्रैकेट में इसका पूरा नाम भी लिख ले, ज्यादा बेहतर है, क्या है, अरे स्पेलिंग गलत हो रही है, एमई होता है, एमई होता है, एमई होता था, देख ले रहे हैं अभी, चेक कर ले, एमई होता था, देख ले रहे हैं, लॉजिक एमई होता है, सही तो है, सही लिखा है, और इसका होगा मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, और इसके लिख दिया हो गया ना। तो आपने ये देखा कि हमने क्या किया, ब्लैंक लाइन पे कोई टाइपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन हमने जब स्टेपेज इंसर्ट कराया तो आराम से टाइपिंग क्या हो गई। अब हम शो करा सकते हैं स्लाइड को, या फाइल दबाए और स्लाइड हम शो कराएंगे, देखिए इंड ऑफ स्लाइड लिख रहा है, और कह रहा है इंड ऑफ स्लाइड के लिए एग्जिट करिए और क्या दबाएंगे उसके लिए, एस्केप बटन दबा देंगे, क्या दबा देंगे, एस्केप बटन दबा देंगे, तो आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, इंड हो जाएगी। जिनको नहीं पता होगा ये पार्ट आपको, तो आप नोट भी कर सकते हैं, सीपीयू के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कोई चीज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कई कैलकुलेशन करता है, बिकॉज क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, नोट कर लीजिएगा जरूर। हामिद अली भी घूमने जाएगा, यस सर, ठीक है,
जिनको नोट करना होगा वो नोट करेंगे पार्ट सबके, सबसे कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट पार्ट का याद रखेंगे। हो गया, चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। तो एक स्लाइड हमारी ऐसी बन गई, एक तो हमने नॉर्मली बनाया जो लेआउट के थ्रू बना लिया, और एक हमने क्या कर लिया नॉर्मल। आप देखिए होम टाइम में जो चीजें दी हुई है, ये स्मार्ट आर्ट है जो आप एमएस वर्ड में पढ़ेंगे, स्मार्ट आर्ट इससे पेज बने बनाए होते हैं और हम अपने आप से फिलअप कर लेते हैं ना। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं है जो जानने वाली है। इंसर्ट टाइम में आपने देखा, आप पिक्चर वगैरह इंसर्ट कराना तो उसमें भी बताया गया होगा, इमेज इंसर्ट कराना है तो क्या करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और जहां से भी इमेज लेना होगा इमेज क्या करेंगे ले लेंगे और इंसर्ट करा देंगे, इमेज क्या हो जाएगी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। ये चीज आप पहले से पढ़े हैं, जो चीजें जानते हैं उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ डिस्कस करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी जानते रहिएगा कि यहाँ से काम होगा, पिक्चर ऑनलाइन होगा फिर जो भी, ठीक है। स्मार्ट आर्ट से पढ़े सब चीजें आपको पढ़ाई गई है पहले भी, ठीक है। हाइपरलिंक जानते ही होंगे, हाइपरलिंक का यूज क्या होता है, एक से दूसरे पेज को जोड़ना। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे आपकी कोई लिंक आती है, जैसे ही आप लिंक पे टच करते हैं आप रहते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन अगर वो लिंक कोई एप्लीकेशन की है तो तुरंत आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाते हैं, अगर वो लिंक यूट्यूब की है तो आप यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। तो हो क्या रहा है, व्हाट्सएप के पेज से अलग पेज को जोड़ा जा रहा है और यही काम हाइपर लिंक का होता है। अच्छा, एमएस वर्ड जब पढ़े थे तो इंसर्ट टैब के भीतर आपने लिंक ग्रुप पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप में कितनी चीजें पढ़े थे आप, थ्री। कौन बोला है थ्री, हाथ उठा के बोला करिए, नाम बताइए, चेहरा दिखाइए, बड़े जाइए, थ्री कौन कौन थ्री, चलिए इतना कौन बोला है इतना। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है बाबू, वो बताएगा क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, कोई भी बैठ जाइए, चलिए इतना तो अच्छा रहा, तीन बताए और कोई। देखिए आपने इंसर्ट टैब के भीतर लिंक ग्रुप जब पढ़ा होगा, तीन चीजें पढ़ा होगा, क्या क्या, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये तीन चीजें पढ़े होंगे आप। तो बुक हाइपरलिंक क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। बुकमार्क इसलिए होता है कि कोई भी चीज पे मार्क करा तो बुकमार्क लगा लेंगे, और क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज किए हैं, बुकमार्क लगाए हैं, हेडिंग लगाए हैं, पिक्चर लगाए हैं, इक्वेशन लगाए हैं, इंड नोट लगाए हैं, फुट नोट लगाए हैं, जो भी लगाए होंगे वो बता देंगे, कौन क्रॉस रेफरेंस। इसलिए क्रॉस रेफरेंस दो बार आता है, एक बार इंसर्ट टाइप में आता है और एक बार रेफरेंस टाइप में आता है, ठीक है। चलिए कोई बात, तो ये आज दूसरी स्लाइड बन गई हमारी। बाकी आप जानते होंगे कमेंट देना, कमेंट देने के शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट कंट्रोल यम। कमेंट देना है कोई वर्ड पे, आपने सिलेक्ट किया, क्या दबा देंगे, अल्ट कंट्रोल यम, आप क्या करेंगे कमेंट दे देंगे, क्या दे देंगे कमेंट दे देंगे। कैसे, आप सिलेक्ट करें और कमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी कमेंट देना होगा उसे रीड क्या करेंगे आप, कमेंट देंगे ना, कमेंट लग गया, अब इसको रीड करिए, रीड करना तो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बन गया, ठीक है। न्यू तो न्यू करना है, नया कमेंट भी सेट करना है, देख रहे हैं ना। हो गया कि नहीं हो गया, कैसे कमेंट दे लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे हम वहां से सफेद लेके काम किए हैं वैसे हम कहाँ क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और जहां ड्रा करना है आप टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स के नाम ही से पता चल रहा है, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट होगा, सीधी सी बात। यहाँ तक कि आप एक और काम कर सकते हैं, इंसर्ट के भीतर ही दिया हुआ है कि आप अपने स्लाइड पे गाना वगैरह लगा सकते हैं, क्या लगा पाएंगे, गाना वगैरह लगा सकते हैं। पहले वीडियो दिया, पहले वीडियो लगा के दिखाया, एक मैंने नए कंट्रोल यम लगा के नई स्लाइड ली और हमने वीडियो पे क्लिक कर दिया, वीडियो ऑनलाइन थी पीसी से, हमने कहा ऑनलाइन, ऑनलाइन पे सर्च कर लिया हमने टॉम एंड जेरी, क्या किया
वीडियोज आ जाएंगे, आप क्लिक करेंगे जो वीडियोज आपको अच्छी लगे, जो भी है, और क्या करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे। नहीं हो पा रहा है, कुछ चीजें होती है नहीं हो पाती है। टॉम एंड जेरी, नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है। आप लोग के सिस्टम पे हो जाएगा, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कार्टून लिख के कर रहे हैं, या आपके पीसी से होगा पीसी से कर लेंगे, अभी करके दिखा दे रहे हैं आप कार्टून उसको। आ जाओ भाई, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं है, हम वीडियो ऑनलाइन में देखते हैं, कोई है डाउनलोड कर रखा है, इंसर्ट हो जाएगा। बस इसको शिफ्ट एफ5 से बड़ा कर देंगे और क्या करेंगे, प्ले कर देंगे, बहुत चला इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, वीडियो वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, उसको भगाना और भगा सकते हैं, जो भी होगा है जो भी होगा, मतलब आप वीडियो जितना भी है आप उसको भगा हुआ सकते हैं, जो भी ठीक बस, और थोड़ी देर हो गया। तो ऐसे वीडियो लगा सकते हैं, और सेम ऐसे ही अपने स्लाइड पे इंसर्ट में ही दिया हुआ है क्या, ऑडियो, ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ऑडियो आपको ऑनलाइन लगाना तो ऑनलाइन, या पीसी से लगाना तो पीसी में आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखा होगा कोई, चलो जो भी लगा हनुमान चालीसा है कर देंगे, और रिप्ले करेंगे तो बजेगा, क्योंकि अपने प्रोजेक्टर में वो स्पीकर नहीं है इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है, कल मैं यहाँ स्पीकर लगा के दिखा दूंगा आप लोगों को, तो आवाज करेगा, लेकिन टाइमिंग चल रही है, गाना चल रहा है। यहाँ तक एक फायदा और होता है कि अगर आपने कोई ऑडियो लगा दिया बड़ा सा, आप चाहते हैं ट्रिम करना, कि नहीं होता किसी गाने की कोई लाइन, बीच की लाइन अच्छी लगती है ना, तो आप चाहते हैं तो गाने को ट्रिम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑडियो ट्रिम पे क्लिक करेंगे, और जहां जब पूरा टाइम निकाल रहा है 30 सेकंड का है, हमको जहां से मन करे वहां से स्टार्ट करा लीजिए, और जहां खत्म करना है वहां तक खत्म कर लीजिए, हमें इतना ही गाना बजेगा, और ओके कर देंगे, उतना गाना ट्रिम हो जाएगा, और फिर वो सेटिंग आपकी हो जाएगी, और काम करेंगे तो क्या होगा, अब उतना बजेगा, वॉल्यूम वगैरह यहाँ से इंक्रीज, हाई लो जो भी है ऑलरेडी हाई है, आवाज नहीं आ रही है क्योंकि स्पीकर नहीं है, अभी अदर क्लास में होते तो नहीं, प्रोजेक्टर में स्पीकर है, जैसे फर्स्ट क्लास में है, थर्ड क्लास में है, स्पीकर नहीं, कोई बात नहीं, स्पीकर लगा के दिखा देंगे, आप लैब में भी नहीं कर पाएंगे, कारण यही है, प्रैक्टिकल तो कर लेंगे, आवाज नहीं महसूस कर पाएंगे, कारण यही कि स्पीकर नहीं है, नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, लैपटॉप वगैरह में प्रॉपरली मिलेगा, समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्ले करेंगे तो ऐसा प्ले हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑडियो को अपने ट्रिम वगैरह भी कर सकते हैं, ऑडियो को क्लिक वगैरह जो भी है इनकी वॉल्यूम में ऑटोमेटिकली करना है तो ऑटोमेटिकली करिए, मतलब कि गाना क्लिक करने पे बजे कि आप जैसे स्लाइड आया तब आप बजने लगे, तो जैसा आपको सेटिंग करना होगा वैसा आप सेटिंग कर लेंगे और ये चीजें बजे करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, बस यही है बाबू, और कुछ है नहीं इसमें, तो इंसर्ट टाइम में आज आप खत्म कर लीजिएगा, एक स्लाइड बनानी है आपको, और एक स्लाइड पे ऑडियो और वीडियो लगा के देना है, जो स्लाइड आज बनाएंगे उस पर ऑडियो लगा के देख लीजिएगा, और अलग से कोई वीडियो लगा लीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा मत करिएगा, 2-4-10 सेकंड का हो लगा लीजिएगा, ठीक है, और लगा के चेक कर लेंगे आप कैसे क्या करें। अच्छा वर्ड आर्ट तो आप पहले पढ़ ही लिए होंगे, वर्ड आर्ट मतलब शब्दों की कला है, इंग्लिश में डेफिनेशन दे सकते हैं कि ए वर्ड विच गिव्स सम प्रिमेटिक और ड्रामेटिक डिजाइन दैट इज कॉल्ड वर्ड आर्ट। तो जो वर्ड एक हमें ड्रामेटिक, जैसे आप वर्ड आर्ट में होता क्या है, जैसे मान लो ये नॉर्मल यस लिख दिया मैंने, ये नॉर्मल यस है और थोड़ा ये स्टाइल हो जाएगा इस तरह, तो हाँ यार दोनों स्टार्टिंग में याद दिलाना चाहिए ना, नहीं बाबू घंटा टाइम नहीं, घंटे लगेंगे वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, 1 घंटे में सिर्फ बोल पाएंगे उसको देख पाएंगे, क्योंकि हर एक पार्ट को समझाना होता है ना, हम मंडे चलो मंडे को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ऑनलाइन क्लास में बुलवा दूं, मुझसे क्लास लाइव है, जितना बुलवाना है बुलवा दीजिए, गजब बेवकूफ है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं मना किया था कुछ, चलिए ठीक है, तो ये नॉर्मल यस हो गया और ये थोड़ा सा डेकोरेटेड हो गया, ये क्या है, एक ड्रामा ही तो किए हैं हम, ड्रामा ही तो है, ड्रामा मतलब नौटंकी, तो जो ड्रामेटिक डिजाइन देता है वही वर्ड आर्ट होता है, प्रीमेटिक एंड ड्रामेटिक,
डिजाइन देता है, उसे क्या बोलते हैं बॉर्डर। तो इतना कर लेंगे आज की क्लास में आप लोग। आपको क्या करना है, नई स्लाइड बनानी है, आप सीपीएस की मदद लेंगे और बाकी कमेंट देके देख लेंगे और उस पे आप वीडियो और ऑडियो क्या कर लेंगे, कर लेंगे ना। वीडियो आपके पहले चेक कर लीजिएगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन ही चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर लगेगा आपका भी वैसे ही जैसे मेरे में लिख रहा है तो आप क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वही वीडियो, क्रोम में सर्च करेंगे सारी चीजों को, ज्यादा ही लगेंगे पिक्चर को डाउनलोड करने, नॉर्मल करिएगा थोड़ा सा जो आप लोग कर लें, ठीक है। बस यही बताना था, थैंक यू क्लास। Thank you.